थे और हमको तो अब यही लग रहा है कि आज भोला बाबू का हुआ है, कल कोई आम कर्ज करता तो खूब हो सकता है। भोला बाबू का आज कर्ज करता हम लोग के पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं और उनका कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं इतनी निष्ठा और वफादारी के साथ। और ये जो हुआ है सीधा सीधा ईडी का तो केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष उनका काम रह गया है विपक्ष को हरास करना, चाहे जो होगा कुछ नहीं लेकिन एक मानसिक तौर पे लोगों को पनिशमेंट करना हो गया, बीजेपी का काम हुआ उसको डराना धमकाना। और आज भोला बाबू चाहे कोई आरजेडी के लोग हम लोग बीजेपी में चले जाएंगे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। कहावत है ना कि सीधा सीधे बात हो गंगा नहा लो सब पाप धुल जाएगा, तो गंगा अभी गंगा बन गई है बीजेपी और उसमें सीधा है आप हमारे साथ आओ और नहीं तो ईडी के घेरा में जाओ, मिलने को कुछ नहीं है। भाजपा कह रही है कि हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, इसलिए ईडी अपना काम कर रही है। अरे तो जो उनके मंत्री हैं उनके विधायक हैं उनको क्यों नहीं जांच हो रही है, केवल आरजेडी के ही विधायक और एमपी और आरजेडी के लोग ही ईडी के घेरे में क्यों? कहते हैं 15 साल कब बीत गया, अभी जो चल रहा है इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, ये शराब अब जितने शराब माफिया लोग हैं बिहार में शराबबंदी हुई, अब डबल इंजन की सरकार भी है तो केंद्र सरकार को पहले केंद्र से ही बंद करना चाहिए क्या? वो पुणे का काम हो रहा है क्या? आज इतना धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, जो पहले जो सरकार को राजस्व जाता था शराबबंदी हुआ तो कहाँ ये इस पर कोई हम सब लोग शपथ खाए थे, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे आरजेडी के हो चाहे कांग्रेस जितनी भी पार्टी हम लोग सब विधानसभा में कसम खाए थे कि शराब न पिएंगे न पीने देंगे और न बिहार में ये शराब बिकेगी। देखिए उस पर कोई छापामारी नहीं हो रहा कुछ नहीं, पुलिस मालामाल हो गई, फोन पकड़ाता है तो गरीब जो साइकिल से चल रहा है सो कोई ताड़ी के दुकान पर बैठा हुआ है सो नाम के पकड़ाता है, ट्रक को ट्रक पकड़ाता है, कुछ पेटियां सो कर दी जाती है। हम लोग आँख के अंधे नहीं, हम लोग भी देख रहे हैं हम लोग भी झेल रहे हैं, तो उसके कोई निर्णय नहीं कोई बात नहीं है। तो भोला बाबू को पकड़ो तो कल को तेज प्रताप को पकड़ो, चाहे हम लोग आरजेडी के लोग हुए कांटा घूमते घूमते सब जगह धीरे धीरे सारे विधायकों पे जाएगा, उसके बाद से